इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ग रिस्क की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेक्चर से प्रॉब्लम नंबर है 6। इसमें आपको एक बॉन्ग दी है, उसका डाटा है आपके पास, फेस वैल्यू है बॉन्ग की ₹100। इट मीन्स पूरे जीरो टाइम पीरियड फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ग इज गिवन ₹100 एंड इट्स कूपन रेट 12%। एंड YTM इज आल्सो गिवन 12%। इतनी जब कूपन रेट और YTM सेम है तो आपका जो परचेज प्राइस है जैसे आल्सो इक्वल टू फेस वैल्यू। एंड मेच्योरिटी इज 8 ईयर्स, लाइफ आप पूरे रखी है 8 ईयर्स। इट मीन्स रिडेम्पशन इज आल्सो सेम एट ₹100। सो एज्यूम ए चेंज इन YTM ऑफ 200 बेसिस पॉइंट्स। तो आपको एज्यूम करना है कि YTM में चेंज हो सकता है आपका 200 बेसिस पॉइंट्स, विच मीन्स 2%, मे बी अप और डाउन। सो वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव कन्वेक्सिटी ऑफ द बोन एंड बोन्स वोलेटिलिटी। तो आपको कन्वेक्सिटी कैलकुलेट करनी है और फिर इसकी बोन भी वोलेटिलिटी। अब जब चेंज होगा आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो चेंज मीन्स आपका YTM फॉल भी कर सकता है, राइज भी सकता है। सो वट इज लोअर YTM प्रेजेंट है आपका 12 माइनस 2, इट विल बी 10%। एंड वट विल बी अपर हायर YTM, इट विल बी 12 प्लस 2 14%। उस केस में बॉन्ड की कन्वेक्सिटी का फार्मूला होता है आपका P2 प्लस P1 माइनस 2 टाइम्स P0 अपॉन P0 टाइम्स चेंज इन YTM एंड इट्स स्क्वेयर। P0 को है आपके पास करंट प्राइस, P2 है वकील जो प्राइस है कि लोअर YTM, लोअर YTM के बेस पर कितना प्राइस होगा। एंड P1 है आपका प्राइस है तो हायर YTM। तो पहले प्राइस ही कैलकुलेट करते हैं। तो आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। सो ईयर इज गिवन, सो 1 to 8 8 ईयर्स की मेच्योरिटी है। सो वट विल बी कैश इनफ्लो, कूपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 12% ऑन 100, 12 लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। तो लेके से लोअर YTM 10%। तो वट इज PB फैक्टर एट 10%। फिर लेते हैं हायर YTM PB फैक्टर एट 14% फॉर 8 ईयर्स। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, दिस इज 0.4665 और टोटल फैक्टर है आपका 5.335। तो वट इज अवर प्राइस मीन्स प्राइजिंग वैल्यू, तो दिस इज अवर 5.335 times 12 plus 46.65। तो दिस वैल्यू इज 110.67। तो नेक्स्ट वीक एक 14% PV फैक्टर फॉर 8 ईयर्स, तो दिस इज 0.351 एंड NP फैक्टर इज 4.639। सो 4.639 टाइम्स 12 प्लस 35.10, सो दिस वैल्यू इज 90.768।
अब आप इसमें फार्मूले में पुट कर सकते हैं वैल्यूज। करंट प्राइस भी है आपके पास, लोअर प्राइस होंगे अपर प्राइस, सो यू विल गेट टू कन्वेक्सिटी। सो कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड यील्ड, सो अवर हायर प्राइस ही 110.67, लोअर प्राइस ही 90.768, -2 × P0 = 100 अपॉन P0 100। चेंज इन वाइटियन है आपका 2%, इट मीन्स 0.02 एडिट्स स्क्वेयर। सो दिस विल बी अवर कन्वेक्सिटी। सो दिस इज 110.67, तो प्लस 90.768 माइनस 200, सो 1.438। दिस इज 0.02 एक्स स्क्वेयर इंटू 100, सो दिस इज कमिंग 0.04। सो कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड इज 1.438, सो डिवाइडेड बाय 0.04 दिस इज 35.95 अप्रोक्सीमेटली, वी कैन से 36 पीरियड्स। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज अवर परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू। सो नाउ दे आर ऑल्सो आस्किंग बॉन्ड्स वोलेटिलिटी, सो व्हाट इज बॉन्ड्स वोलेटिलिटी, इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू, तो कितना चेंज आएगा आपका बॉन्ड की वैल्यू में, तो उसका फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स फार्मूला इज, सो हाफ इनटू करंट प्राइस इनटू कन्वेक्सिटी इनटू कितना चेंज आ रहा है वाइटियन में, सो इनटू चेंज इन वाइटियन इट्स स्क्वायर। सो हाफ टाइम्स प्राइस है आपका 100, करंट प्राइस कन्वेक्सिटी है 35.95, और चेंज आ रहा है वाइटियन में आपका 0.02 मीन्स 2%। सो दिस विल बी अबर 50 × 35.95 टाइम्स 0.004, सो दिस इज अबर 0.719%। सो कितने परसेंट आपकी बॉन्ड की वैल्यू लेके आएगी। सो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें आपको मेंशन किया है टाइगर लिमिटेड की प्रेजेंटली वर्किंग विद एन इबिट ऑफ 90 लाख। तो एक आपको कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन दी है, सो वी आर गिवन EBIT, ये फिगर्स आपको दिए हैं रुपीज लैक्स में। इबिट इज 90 लाख, तो इट्स प्रेजेंट बोरोइंग्स आ रहे हैं फॉलोज, और कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो आपको दे रखी हैं। तो कंपनी है कि 12% टर्म लोन ऑफ रुपीज 300 लाख, कंपनी है 15% बैंक बोरोइंग्स मीन्स बैंक लोन जैसे 200 लाख, कंपनी है कि 11% पब्लिक डिपॉजिट्स जैसे 100 लाख। द सेल्स ऑफ द कंपनी इज ग्रोइंग एंड टू सपोज द कंपनी प्रपोजेज टू ऑब्टेन एडिशनल बोरोइंग, तो अब सेल्स इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए कंपनी का एडिशनल मनी बोरो कर रही है, विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 16%। सो कंपनी विल कैरी 16% बोरोइंग। द इंक्रीज इन इबिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 15%, और उस सेल के इंक्रीज होने से आपका इबिट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो वट इज अवर न्यू इबिट, इबिट विल बिकम 90 + 15% आपका इंक्रीज हो जाएगा इबिट, तो 90 + 15% 103.5। सो दे आर आस्किंग कैलकुलेट द चेंज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आफ्टर एडिशनल बोरोइंग एंड कमेंट ऑन द डिबेंचर फाइनेंशियल रिस्क। तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो पहले देखते हैं कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है जिस ये इबिट वकील जो टोटल इंटरेस्ट, सो एट प्रेजेंट प्रेजेंट है देखो 12% × 300, सो इट इज 36 देन 15% × 200 विच इज 30 देन 11% × 100 11, सो जिस प्रेजेंट इंटरेस्ट
टोटल इज 67, 77। अब नेक्स्ट केस में अब आपका दुश्मन ये सेम रहेगा 36 एंड दिस इज ऑल्सो सेम 30 11, और एक आपका आ जाएगा एडिशनल 16% बोरोइंग्स हैं आपकी किसी ऑफ रुपीज 100 लाख, तो इसके ऊपर भी आपका एडिशनल इंटरेस्ट आ जाएगा 16। इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट विल बिकम 93। सो व्हाट विल बी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दैट इज इबिट अपॉन इंटरेस्ट। सो प्रेजेंटली आपकी इबिक है 90/77 और न्यू इबिक है आपकी 103.5/93। सो दिस विल बी इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिवाइडेड बाय 93, जैसे कि 1.113 एंड 90/77, तो किसी जो 1.169। तो आप देखेंगे आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है इट है जो रिड्यूस्ड, इट है जो फॉलन। तो इट मीन्स हमारा जो फाइनेंशियल रिस्क है तो इट है जो इंक्रीज। सो फाइनेंशियल रिस्क है जो इंक्रीज, इसको हम डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। इट मीन्स नाउ डिफॉल्ट वेरी यू मोर चांस ऑफ डिफॉल्ट बाई कंपनी। तो ये क्वेश्चन था हमारा डिफॉल्ट रिस्क के बेस पर, सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट लेटर सी प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें देखिए आपको क्या क्या मैंशन किया है। फ्लोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर ए बॉन्ड, फेस वैल्यू आपको दी है। सो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज रुपीज 10,000 एंड टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन मेच्योरिटी, और इसकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है दैट इज ऑल्सो सेम एट पार 10,000। सो कूपन रेट इज गिवन 8.5%, 8.5% बॉन्ड। सो ईयर्स टू मेच्योरिटी इज 5 ईयर्स, लाइफ इज गिवन 5 ईयर्स एंड वाई क्लेम इज 10%। एंड यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट, तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज P0, करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, व्हिच इज प्राइजिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट वाई टी एम। तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ईयर्स आर 1 to 5 एंड 5, व्हाट इज कैश इनफ्लो, आपको मिलेगा 8.5% कूपन इंटरेस्ट, गैट विल बी 850 एंड रिडेम्पशन वैल्यू इज 10,000। यू अप्लाई PV फैक्टर, तो करंट वैल्यू है प्राइजिंग वैल्यू एट YTM 10%। सो फॉर 5 ईयर 0.621 एंड 3.791, ये आपका NP फैक्टर है 5 ईयर्स का एंड ये सिंगल फैक्टर, तो लेट इज मल्टीप्लाई। सो 850 × 3.791, सो प्लस 6210, सो किसी कमिंग टू बी अवर 9432.35, दिस इज करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड। सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट इज मैकुले ड्यूरेशन, अब आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। बाकी मैकुले से ड्यूरेशन, तो आपके पास देखो कूपन रेट है YTM है, सो कूपन यील्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला ऑफ ड्यूरेशन इज सो 1 YTM / 1 YTM, सो प्लस सो n इनटू कूपन माइनस YTM एंड अपॉन जैसे जो कूपन इनटू सो 1 YTM रेज टू पावर n माइनस 1 YTM, तो उसमें पुट कर रखे हैं वैल्यूज, सो यू विल गेट ड्यूरेशन YTM इज 10%, सो 1.1/0.1, 1 YTM
1.1 plus so n is 5 years, so इनको कूपन 0.085 माइनस 0.10 अपॉन कूपन 0.085 इनको 1 प्लस वाई टी एम 1.1 रेस टू पावर 5 माइनस 1 प्लस 0.10 तो उसको आप सोल्व कीजिए यू विल गेट फिगुरेशन जिसे 11 माइनस इन कैनल ब्रैकेट तो जैसे 0.085 माइनस 0.1 ये नेगेटिव में आ जाएगा इनको 5 जैसे नेगेटिव प्लस 1.1 जैसे 1.025 तो इसको भी सॉल्व कीजिए आप पहले ब्रैकेट 1.1 रेज टू पावर 5 तो माइनस 1 इनको 0.085 प्लस वाइटिंग 0.10 तो दिस वैल्यू इज कमिंग 0.151893 इट मीन्स 11 माइनस 1.025 डिवाइडेड बाय 0.151 893 तो दिस इज 6.748 बैलेंस इज ओवर ड्यूरेशन माइनस 11 4.252 दिस इज ओवर ड्यूरेशन तो नेक्स्ट पेयर आस्किंग व्हाट इज वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड फिर आपको वोलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है नंबर थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी मीन्स परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू इसका फॉर्मूला है ड्यूरेशन उसको डिवाइड कीजिए 1 प्लस वाई टी एम से ये बन जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनको कर लीजिए चेंज इन वाई टी एम जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कितना चेंज होगा हम लेते हैं फॉर एवरी 1% चेंज इन वाई टी एम व्हाट विल बी चेंज इन बॉन्ड वैल्यू तो ड्यूरेशन इज 4.252 और वाई टी एम आपको दे रखा है 1% चेंज इन वाई टी एम इज 1 तो जैसे 4.252 डिवाइडेड बाय 1.1 तो दिस विल बी 3.865% तो इतने परसेंट आपका बोन की वैल्यू में चेंज आ सकता है क्योंकि चेंज इन वाइटनिंग बाय 1% तो नेक्स्ट वेयर आस्किंग 4.2 कन्वेक्सिटी ऑफ बोन फिर आपको कन्वेक्सिटी कैलकुलेट करनी है बोन की कन्वेक्सिटी ऑफ बोन तो कन्वेक्सिटी का फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं फार्मूला है जिसमें जो P2 प्लस P1 माइनस 2 टाइम्स P0 अपॉन P0 इनको चेंज इन वाई टी एम हो सके और सेकंड है आपके पास अब इसमें आपको ये नहीं मेंशन किया क्वेश्चन में कि कितना चेंज आपने लेना है अगेन यू कैन अप्लाई सेकंड फार्मूला वट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये कैलकुलेट की गया वाई टी एम के ऊपर इनको कर दीजिए आप टी प्लस टी स्क्वायर टी है आपका जो टाइम पीरियड है गैट वन अपॉन पी जीरो तो इसका कर देंगे हम समेशन गेस वन ये समेशन अपॉन पी जीरो इनको 1 प्लस वाई टी एम होल स्क्वायर तो लेकर ड्रॉ गया टेबल किसी का जो फार्मूला अप्रोच एंड किसी टेबलर अप्रोच तो ये इसके लिए आपको चेंज इन वाई टी एम हमें चाहिए होता है नॉर्मली और यू कैन अज्यूम 2% बट लेट अस ट्राई दिस मेथड तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए तो 5 ईयर की लाइफ है आपकी तो ईयर इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो कैश इनफ्लोस ईयर मीन्स ये है टाइम पीरियड की कैश इनफ्लोस आपको कैलकुलेट कर सकते हैं रुपीज में 10,000 की फेस वैल्यू है 8.5% कूपन रेट है तो कूपन रेट के लिए 850
लास्ट में रिडेम्पशन आ जाएगी 10,850, लेकिन क्रश पी वी फैक्टर अप्लाई कीजिए वाइट नियम के बेस पर, देखिए 10%, सो 0.9098267516833621, सो दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो इंडिविजुअली आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए 850, तो दिस वैल्यू इज 772.73, यानी कि जो 702.48, दिस इज 638.62, दिस इज 580.56, यानी कि 10,850.621, जिसे खबर है 6737.85। फिर आपको एक कॉलम ड्रॉ करना है, बल्कि टी प्लस टी स्क्वायर, सो टी मीन्स टाइम पीरियड वन, तो आप लीजिए 1 + 1 का स्क्वायर है 1, 1 + 1 इज 2, यानी लीजिए 2, सो 2 स्क्वायर 4 + 2 6, यानी 6 स्क्वायर 9 + 3 12, 4 स्क्वायर 16 + 4 20, 5 स्क्वायर 25 + 5 30। अब इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, सो गेस यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू इनकू पी प्लस टी स्क्वायर, ये आपका न्यूमिरेटर आ जाएगा जब आप उसका टोटल करेंगे, सो गेस इनकू 30, सो 580.56 इंटू 20, यानी कि 638.62 टाइम्स 12, 702.48 इंटू 6, यानी 772.73 टाइम्स 2, सो कोकल इज कमिंग, तो मैंने इसका सारा कोकल ही मेंशन कर दिया है, 227.170.48, एंड देन पी जीरो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉर्मल कैश इनफ्लो, सो दिस इज कमिंग 772.73 + 702.48 + 632 + 580.56 + 6737.85, सो दिस वैल्यू इज 9432.24, तो इसमें बुक क्या रखें, सो यू विल गेट टू कॉन्वेक्सिटी, बट कॉन्वेक्सिटी बॉन्ड से न्यूमिरेटर इज अवर 227.170.48, डेनोमिनेटर 9432.24 इंटू 1 + YTM 10% 4 raised to power 2, दैट मीन्स गेस 227.170.48 डिवाइडेड बाय 9432.24 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1, सो कॉन्वेक्सिटी 19.9, दिस इज अवर कॉन्वेक्सिटी। सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देयर आस्किंग कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज डिक्रीज इन वाइटनिंग बाय 200 basis points बाय मैकुलर ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट एंड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, तो अब आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, सो फिफ्थ देयर आस्किंग एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड देयर सेइंग दैट इफ देयर इज डिक्रीज इन YTM बाय 200 basis points, इट मीन्स इफ YTM फॉल्स बाय 2%, 200 basis points मीन्स 2% फॉल हो रही है। अब दोनों मैथड से देखिए आप ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नंबर वन लेट अस सी
विग ड्यूरेशन ड्यूरेशन का मतलब है कि तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे वकील की परसेंटेज, तो जब वाइकम फॉल करेगी बोन की वैल्यू राइज होगी, वकील परसेंटेज राइज इन बोन वैल्यू, जिसका नाम है बोन वोलेटिलिटी। तो ड्यूरेशन मेथड यही है, ड्यूरेशन को डिवाइड कीजिए 1 प्लस वाइकम से और आप अप्लाई कर दीजिए जितना चेंज आ रहा है वाइकम में। तो ड्यूरेशन ही 4.252 अपॉन 1.1, चेंज है आपका 2%। तो जैसे 4.252 डिवाइडेड बाय 1.1 टाइम्स 2, सो दिस विल बी 7.731%। ये आपका परसेंटेज राइज आ जाएगा, तो वो कल भी अवर मार्केट प्राइस ऑफ बोन। सो दिस इज एक्सपेक्टेड आफ्टर राइज, या विल बी करंट प्राइस जो भी हमने कैलकुलेट किया था, जैसे 9.432.24 जैसे ये करंट प्राइस, तो उसमें प्लस कर लीजिए अब आप जिसमें परसेंट राइज 7.731%, तो ये आपका नया प्राइस आ जाएगा। तो जैसे 9.432.24 प्लस 7.731%, न्यू प्राइस विल बी रुपीज 10,161.45। और एक उन्होंने और मेथड पूछा है, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ वाइकम फॉल्स बाय 2% बाई इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करना है, इट मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स वट विल बी न्यू वाइकम, आपकी प्राइजिंग वाइकम है 10%। अब जो वाइकम है आपकी, ये आपकी फॉल हो रही है -2%, सो इट विल बी 1%। अब आप 1% पे वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और टेबल ड्रॉ कर लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है प्राइजिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एट वाइकम, सो ईयर इज गिवन 1 to 5 year एंड टू 5 year। बाकी कैश इनफ्लो कूपन इंटरेस्ट है आपका 850, रिडेम्पशन है 10,000, पी वी फैक्टर यू कैन अप्लाई एट 8%। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका सेम आना चाहिए, 1/1.08। 5 year का फैक्टर है 0.681 एंड एन ई पी फैक्टर 3.993। वकील प्राइजिंग वैल्यू 3.993 टाइम्स 850 प्लस 6810, सो दिस वैल्यू इज कमिंग 10,204, सो दिस विल बी अवर मार्केट प्राइस। तो आप देखिए अप्रोक्सीमेटली अराउंड 44 रुपीज़ का डिफरेंस है, जिससे बिल्कुल चेंज इन मैट्रिक अराउंड की फिगर के कारण हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो नेक्स्ट लेट अस सी, सो जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम वे हमने डिस्कस किया था, दिस वॉज गुड क्वेश्चन, और पहले ध्यान से समझ लीजिए, जेन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें ये कि आपको मेंशन किया है फ्लोइंग इज एन इंफॉर्मेशन फॉर द फ्री ऑप्शन बॉन्ड फेस वैल्यू। ये आपको दिया ऑप्शन फ्री बॉन्ड, मींस जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कॉलेबल ऑप्शन या पुटेबल, तो उसको सिंपली कहते हैं स्ट्रेट बॉन्ड। आपको देखा गया है फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1,000 एंड कूपन रेट 7% एंड टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी लाइफ इज आप 7 ईयर, ईल्ड टू मेच्योरिटी वाइकम गेट इज 8%। सो यू हैव टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड ड्यूरेशन।
तो आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं। नंबर वन बकरी मार्केट प्राइस ऑफ बोन, सो दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एट YTM। तो उसके लिए आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। 7 ईयर की लाइफ है आपकी, ईयर्स 1 to 7 एंड 7। बाकी का कैश इनफ्लो आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट 7%, 70 रुपीज। लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी आपको 1000, रिडेम्पशन जो है एट पार 1000। पीवी फैक्टर एट YTM 8%। तो दिस विल बी अवर करंट मार्केट प्राइस ऑफ बोन इन 0 पीरियड, जिसको आप P0 भी कह सकते हैं। सो एट 8% फॉर 7 ईयर, सो सिंगल फैक्टर 0.5835 एंड एनएटी फैक्टर 5.2064। तो 5.2064 टाइम्स 70, सो प्लस 583.5, सो प्राइस ही कमिंग 947.95, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 948। द नेक्स्ट देयर आस्किंग व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो आपके पास देखो कूपन भी है, YTM भी है, तो आप कूपन यील्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो वेटेड ड्यूरेशन फार्मूला इज 1 + YTM अपॉन YTM माइनस 1 + YTM, तो प्लस एन इंटू कूपन माइनस YTM एंड अपॉन कूपन इंटू 1 + YTM रेट टू पावर एन माइनस 1 + YTM, राइट। कूपन है आपके पास 7%, YTM है 8%, सो 1.08 अपॉन 0.08 माइनस 1.08 प्लस, सो एन इज 7 ईयर, कूपन इज 0.07 माइनस 0.08, कूपन 0.07 इंटू 1.08 रेट टू पावर लाइफ इज 7 ईयर माइनस 1 + YTM 0.08। लेट अस सॉल्व दिस। तो 1.08 डिवाइडेड बाय 0.08 13.5 माइनस, ये आपका जो हो नेगेटिव आ रहा है 0.01, 0.07 की नेगेटिव। सो 1.08 माइनस 0.07 जिसे 1.01 इंडियन इट इज, सो 1.08 रेस टू पावर 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस 1 यानी इंटू 0.07 प्लस YTM 0.08, दिस वैल्यू इज 0.13। सो 13.5 माइनस 1.01 डिवाइडेड बाय 0.13 7.77, सो विच इज 13.5 माइनस 7.77, सो ड्यूरेशन इज 5.73। ड्यूरेशन है आपका ईयर्स में। तो वन मोर पार्ट देयर आस्किंग, इफ देयर इज इंक्रीज इन यील्ड बाय 35 बेसिस पॉइंट्स व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो सेकंड पार्ट देयर आस्किंग है तो देयर इज इंक्रीज, तो YTM जो है आपका ये इंक्रीज हो रहा है बाय 35 बेसिस पॉइंट, इट मीन दैट इज इक्वल टू 0.35%। नाउ देयर आस्किंग व्हाट विल बी प्राइस ऑफ बॉन्ड,
जब आपका वाइकिंग इंक्रीज होगा, बोन का प्राइस फॉल करेगा, तो पहले कैलकुलेट करके बोन की वोलेटिलिटी, बोन से वोलेटिलिटी, जिसे जो परसेंटेज जो फॉल, उसका फार्मूला है, ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट किया है, इसको बना लीजिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन, वैल्यू है 1+YTM, इनको कर लीजिए चेंज इन YTM। ड्यूरेशन जो 5.73 और YTM है आपके पास 1%, 1.08, और चेंज आ रहा है आपका 0.35, 35 बेसिस पॉइंट्स, ये है बेसिस पॉइंट, विच मीन्स 0.35%। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाई 1.08 इंटू 0.35, दिस विल बी 1.86%। ये आप इतना परसेंट आपकी बॉन्ड की वैल्यू फॉल हो जाएगी, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट प्राइस है 9.48, सो व्हाट विल बी अवर न्यू प्राइस ऑफ बॉन्ड। देखिए करंट प्राइस 9.48, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 1.86%, सो दिस विल बी न्यू प्राइस ऑफ बॉन्ड। 948 - 1.86%, तो जिस वजह 930 रुपीज 37 बैंक, जिस वजह न्यू प्राइस ऑफ तो नॉर्मल क्वेश्चन था, तो पहले आप क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, जैन यू कैन नोट डाउन। उस लेक्चर में हमने डिस्कस की बॉन्ड रिस्क की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।